नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस सोलर जनरल ड्यूटी के बारे में। इसमें क्या कितने नंबर का कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, हमारा सिलेबस क्या होगा, उनमें टॉपिक्स क्या रहेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर आर्मी, इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन्हें देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा? आपका जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चंस, उसके आपके मार्क्स रहेंगे 30। जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे 20, उसके मार्क्स रहेंगे 40। मैथ्स के, गणित के क्वेश्चन रहेंगे 15, उसके मार्क्स रहेंगे 30। आपको एनसीसी वाले जो सी होल्डर्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, और आपको पासिंग मार्क्स टोटल चाहिए 32। ठीक है, आपको 32 मार्क्स चाहिए रहते हैं। आपका जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है उसमें रहेगा ऑब्जर्वेशन में नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल, अवार्ड्स एंड प्राइज में नेशनल अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड्स और नोबल अवार्ड्स। हिस्ट्री में रहेगा इम्पॉर्टेंट डेट्स, बैटल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोरेशन रहेगा, द अर्थ प्रिंसिपल पीक्स और डेजर्ट, रिवर्स, लेक्स, फेमस वाटरफॉल्स, ज्योग्राफिकल टेलस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एसेट्रा। टर्मिनोलॉजी में जियोग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स एंड लीगल टर्म्स एंड मिसलिनियस टर्म्स भी रहेंगे। यूएनओ में आपका इंडियन आर्मी फोर्स, इंडियन टाउन, स्टेट्स एंड एसेट्रा। इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्टेशंस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडियन वर्ल्ड्स, इंडियन न्यूज़ एजेंसीज और एनवायरमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके रिलीजन कम्युनिटी, कम्युनिटीज, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस, नेशनल इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, द वर्ल्ड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड करंट अफेयर्स, हुज एंड हु। जनरल साइंस में आपको ह्यूमन बॉडी में फूड एंड न्यूट्रिशन, डिसीजिंग एंड प्रिवेंशंस, विटामिन्स एंड देयर यूजेस। क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस में कंसिस्टेंट टॉपिक्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। डे टू डे एक्टिविटीज़ में मेडिकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स एंड साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसमें एबिलिटी रहेगी आपकी बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स की ग्रुप की एजिंग है 16 से 20। मैथमेटिक्स में आपका अर्थमेटिक में कंसिस्टेंट ऑफ नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर्स, रूट्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशोस, प्रोपोर्शंस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस एंड यूनिटरी मेथड, टाइम वर्क, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड एलजेब्रा में आपका बेसिक ऑपरेशंस, फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। ज्योमेट्री में आपके लाइंस, एंजल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वाड्स, पैरालोगम्स एंड सर्कल्स, और आपका एरिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, वॉल्यूम, सरफेस ऑफ एरिया, क्यूब्स, क्यूबोर्ड्स, कोन, स्लेंडर्स एंड स्क्वायर्स, ये आपको रहेंगे। आप इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको इसी हिसाब से आपको सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी, डे टू डे अपलोड होती है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से तैयारी करके आप
गवर्नमेंट एग्ज़ाम को दीजिए। आपको इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट्स भी हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।